गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 98 भाग 7 प्लस 7 इंटू 3 माइनस 22। तो 98 भाग 7 प्लस 7 इंटू 3 माइनस 22। तो ये हो जाएगा 98 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 14 प्लस 7 या 21 माइनस 22। तो 14 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 13। आगे देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन, 10,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, मूलधन मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन कितना है? 10,000। दर कितनी है? 12%। समय कितना है? 5 वर्ष बटा 100। 2 0 से 2 0, 12 5 60, 12 5 60 और 00, 6,000 रुपया साधारण ब्याज होगा। आगे देखिए स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, तो 2 अनुपात कितना है? 3। बी अनुपात सी 2:3, बी अनुपात सी, तो बी वालों को कॉमन ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 2, 2 2 4 अनुपात 6:3 3 9, ए बी सी का मान हो गया। अब सी और डी, तो सी का मान कितना है? 3 और 4 अनुपात 4, तो इसको दोनों सी वालों को कॉमन ले लेंगे, इसका लघुत्तम आ जाएगा 9, 9 1 9, इधर आ जाएगा 3, तो 3 4 12, इधर हो जाएगा 6 का 6 और 4 का 4, 4:6:9:12। तो ए और डी का मान, ए का मान कितना आ गया? 4, और डी का मान आ गया 12, तो 4 1 4 और 4 3 12, 1:3। आगे देखें स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन, 0.0625/0.025, तो ऊपर आ जाएगा 625/625, ऊपर आ जाएगा 1,000 और नीचे आ जाएगा इंटू में 10,000। तो 3 0 से 3 0 चला गया स्टूडेंट्स, 25 से 625 25 बार जाएगा 25/10, तो इसका माना जाएगा 2.5। आगे देखें स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, अगर परिमाप परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है परिमाप, परिमाप होता है 4a, और क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a बराबर a स्क्वायर, तो a से a चला जाएगा, a बराबर 4, तो भुजा का मान हो जाएगा 4। आगे देखिए स्टूडेंट्स, छठवां क्वेश्चन, 432 का 1/6 भाग, तो 432 का 1/6 भाग 216 के 3/4 भाग से कितना कम है? तो 432 का 1/6 भाग देंगे, 6 7 42 6 2 12, ये हो जाएगा 72। अब 216 का 3/4 भाग, तो 4 का भाग देंगे, 4 5 20 4 4 16, 54 × 3, 3 4 12 का 2 हासिल की, 1 3 5 15 1 16, ये से कितना कम है? 162 - 72, 162 - 72, तो कितना कम है? 19 कम है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन, उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 और 975 दान किए। उमेश व कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात, तो ये हो गया उमेश और ये हो गया कपिल, कितना दान किए? 750:975, तो ये 5 से 150, 5 से 5 1 5, 5 1 5, इधर 4, 5 8 40, 5 9 45,
पांच नौ पैतालीस, पचम पच्चीस, फिर पांच से, फिर पांच से 30 बार, फिर पांच से 5 15, पांच नौ पैतालीस, फिर तीन से 3 2 31 और इधर आ जाएगा 13, 10:13। आगे देखें स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए 225 भाग 25। 225 में 25 का भाग देंगे, 9 - 10, 9 - 10 इंटू 5 प्लस 2 - 7 इंटू 3, 7 21, 9 - 10 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 2 - 21, माइनस का 5 प्लस का 2 और माइनस का 21, तो माइनस का 21 और माइनस का 5 माइनस का 26 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 24, माइनस का 24। आगे देखें स्टूडेंट्स, नौवां क्वेश्चन, एक दुकानदार को एक वस्तु को 1980 में बेचने पर 10% की हानि हुई, 1980 बटा 90 इंटू 15% लाभ, 15% मतलब 115, 0 से 0, 9 1 9 9 2 18 9 2 18, तो ये हो जाएगा 115 इंटू 22, तो 115 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 115 को 22 से 5 दो पंद, ये हो जाएगा इधर 230 और नीचे वाला भी 230, 0 3 3 2 5, तो 2530। आगे देखें स्टूडेंट्स, दसवां क्वेश्चन, अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वर्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, वे क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हैं। तो कुल दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। चाल कितनी है? 9 और 11 चाल हो जाएगी उनकी 20 बटा 20 इंटू मिनट में निकालना है, तो 60, 20 से 3 बार, तो 3 दूनी 6 6 मिनट। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 11वां क्वेश्चन, 14 21 25 और 70 का लहसे ज्ञात कीजिए, 14 21 25 और 70 का लेस है, 7 से 7 2 14 7 21 और 25 का 25 और 7 2 70, फिर 2 से 2 3 और 25 का 25 और इधर आ जाएगा 5, फिर जाएगा स्टूडेंट्स 5 से 1 3 5 और 1, तो लेस आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम बराबर 2 × 3 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7, तो 7 × 5 35 35 70 105 110 210 × 5 210 × 5 210 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 1050 इसका लेस है। आगे देखें स्टूडेंट्स, 12वां क्वेश्चन, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं, ए प्लस बी बराबर 36 डेज, यदि बी अकेला इस कार्य को बी 30 दिन बाद कार्य करना बंद कर दे, ए और बी 30 दिन तक काम करते हैं, मतलब एक को 30 दिन तक वो काम करते हैं, काम कितना बचा? 6 दिन का काम करने में, 6 दिन का काम करने में एक को कितना दिन लगेगा? 10 दिन, 6 दिन का काम करने में 10, तो 6 × 6 36, काम करने में एक को 6 × 36, एक को कितना दिन लगेगा? 6 × 10 60 दिन। आगे देखें स्टूडेंट्स, 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल कीजिए, √196, तो 196 का मान होता है 14/7 इंटू, √421 का मान होता है 21/7 इंटू, 120/√, √225 का मान होता है 15,
सात दूनी 14, सात तिया 21, तीन से तीन पंजे 15, पांच से चला जाएगा 24, 24 इंटू दो 24 दूना 48। आगे देखे स्टूडेंट्स, 14वां क्वेश्चन, यदि पहली संख्या को का 40% 12 के बराबर है, तो पहली संख्या, ये पहली संख्या का 40% 12 बटा 40 इंटू 100, जीरो से जीरो ये तीन बार, तो पहली संख्या हो जाएगी 30। दूसरी संख्या, ये सेकंड संख्या का 50% 24 के बराबर, 24 बटा 50 इंटू 100, ये चला जाएगा इसे दो बार, ये हो जाएगी 48। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 30 अनुपात 48, तो 6 पंजी 30, 6 सात 42, 6 8 48, 5 अनुपात 8। आगे देखें स्टूडेंट्स, 15वां क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 58, 75 और 97 से विभाजित करने पर 4, 3 और 7 शेषफल बचता है। तो 58 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 54, 75 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 72, और 97 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 90, तो हो जाएगा 54, 72, 54, 72 और 90, इसके अंदर किसका भाग जाएगा 6 का, तो 6 दुनी 6 नाम 54, 12 6 72 और 15 आ जाएगा, फिर जाएगा फिर एक बार 3 का, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो अपन को इसका निकालना है HCF, HCF आ जाएगा 6 इंटू 3 बराबर 18, ऐसी संख्या है जिसका 18 का भाग 58 में देंगे तो 4 बचेगा, 75 में देंगे तो 3 बचेगा और 97 में देंगे तो 7 बचेगा। आगे देखें स्टूडेंट, 16वां क्वेश्चन, एक आदमी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, एक आदमी वन मैन एक कार्य को 20 दिन में, जबकि वन वुमेन एक कार्य को 45 दिन में, दोनों का लघुतम 180, तो 20 से 9 बार, ये 45 से 4 बार, तो आदमी की स्पीड आ गई 9 और महिला की स्पीड आ गई 3, तो उसी काम को 180 काम को कितने, दो पुरुषों की स्पीड हो जाएगी 2 इंटू 9 प्लस 3 महिला 3 इंटू 4, तो 180 बटा 9 दुनी 18 और 4 थी 12, 18 और 12 30, ये कितने बार जाएगा 6 दिन में। आगे देखें स्टूडेंट्स, 17वां क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता ₹25 प्रति किग्रा के भाव से 54 किग्रा संतरों का एक बैग खरीदता है, कितना खरीदता है 54 किग्रा, तो 25 इंटू 54 हो जाएगा ₹1,350 का वो संतरा खरीदता है। बाद में छाटने पर उसे पता चला कि 4 किग्रा संतरा सड़ गए हैं, कितने किग्रा उसके संतरे सड़ गए हैं, 4 किग्रा, 54 माइनस 4 कितने किग्रा बचे उसके पास, 50 किग्रा, और कितने के भाव से 36 इंटू 50, मतलब 36 इंटू 50 कितने का बेचेगा वो, ₹1,800 का, तो खरीदा था 1350 का, बेचा 1800 का, कितने का लाभ हुआ उसे, 450 का, कितने पर, 1350 पे, 450 बटा 1350 ये चला जाएगा 45, ये चला जाएगा 3 बार, 100 बटा 3 मतलब 33.33%। आगे देखें स्टूडेंट्स, 18वां क्वेश्चन, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए, तो पहली 10 प्राकृत संख्याएं, पहली 10 प्राकृत संख्याएं जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते प्लस n का स्क्वायर, तो इसका निकालने के लिए n कोष्टक n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटा 6 बटा 6, तो ये निकालने के लिए 6 बटा 6
माध्य निकालना है, तो ये तो इसका ये निकालना है, माध्य निकालना है तो संख्याओं का भाग देना है, तो अपनों की हो जाएगी संख्या 10, 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 10 20 रे 21 बटा 6 इंटू और संख्या हो जाएगी 10, तो 10 से 10 चला जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा, 6 से ये 3 से 7 बार, ये 3 से 2 बार, तो 11 7 77 बटा 2। आगे देखें स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, एक पहिया 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में 21,000 चक्कर पूरे करता है, तो 66 किलोमीटर किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 66 इंटू 1000 ये हो जाएगा 66 और 30 मीटर। कुल चक्कर कितने, कुल चक्कर 21,000, तो ये हो जाएगा 66,000 बटा 21,000 एक दो तीन ये हो जाएगा परिधि बराबर, तो परिधि होता है 2πr बराबर 66 बटा 21, तो 2 इंटू 22 बटा 7 इंटू आर बराबर 66 बटा 21, तो 22×66 ये आर, ये 7 × 21 इससे चला जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 1/2 मीटर। आगे देखें स्टूडेंट्स 20वां क्वेश्चन, यदि 6 प्रेक्षण 5, 7, 9, 0, 11 का माध्य 9 है तो 1 का मान ज्ञात कीजिए, 1 का मान ज्ञात कीजिए, ये ए है यहाँ पे, तो 5+7+9+1+11+12 बटा कितनी संख्या होगी, 2 और 2 4 6 इधर हो जाएगा ए, 6 का माध्य कितना है 9, ये इसका मान हो जाएगा 54, इसका मान हो जाएगा 44+a=954, ए बराबर हो जाएगा 10। आगे देखें स्टूडेंट्स 21वां क्वेश्चन, सुनील और कमल में प्रत्येक ने एक साहूकार से एक वर्ष 6 माह के लिए 40,000 का ऋण लिया, जिसने सुनील से 11% वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज और कमल से 10% वार्षिक ब्याज से अद्वार्षिक रूप से लिया, दोनों में अधिक ब्याज दिया और कितनी राशि अधिक हुई, तो सुनील से 11% तो 40,000 ये हो गया सुनील का एस, 40,000 का 11% मतलब 4,00044 44,000 का 11%, तो ये हो जाएगा 4,000 × 11 4,000 × 4,000 8,000 इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2442 46,842 तो कितना ब्याज हुआ 6,842, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट से। अब उसका कमल का कितना 10% चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये साधारण ब्याज ये उसमें हो जाएगा अर्धवार्षिक 5% हो जाएगा, 3 साल के लिए हो जाएगा, तो 3 साल के लिए फॉर्मूला है 3 3 1, तो 40,000 का 5% 2,000 40,000 का 5% 200 आगे देखें स्टूडेंट्स 22वां क्वेश्चन, एक संख्या का को 6/5 से गुणा करने पर 108 बटा 100 108 बटा 100
25 प्राप्त होता है अक्ष अक्ष को 6/5 से गुणा करने पर कितना 108/125 तो 6 से 18 बार 125 5 से 25 बार अक्ष बराबर 18/25 आगे देखें स्टूडेंट्स 23वां क्वेश्चन भिन्न 2/3 1/6 1/5 और 3/7 को अवरोही क्रम में लिखे एक 2/3 का मान हो जाएगा 0.66 1/6 का मान हो जाएगा 0.16 1/5 का मान हो जाएगा 0.2 3/7 का मान हो जाएगा 728 और 7×2=14 तो अवरोही क्रम अवरोही मतलब बड़े से छोटा तो बड़ा कौन सा है इसमें 2/3 फिर है 2/3 फिर है 3/7 फिर है 1/5 फिर है 1/6 धन्यवाद स्टूडेंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।